नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार क्या आगामी वक्त में और भी कमजोर होते हुए दिखाई देंगे? बिहार की राजनीति में क्या नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां पिछड़ते हुए दिखाई देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जीत दर्ज करके अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होगी? और क्या नीतीश कुमार बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव से फिर गठबंधन करेंगे? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पिछले दिनों मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ी सियासी अटकलें लगाई गई कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच गठबंधन हो सकता है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई और बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार से यहां पर समर्थन मांग लिया और उसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी के दो विधायक भी उनसे बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दो विधायकों में नाम शामिल है नीलम देवी और गोपाल मंडल। ये दोनों जिस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव से पहले ये दोनों विधायक अपना रास्ता अलग कर सकते हैं, बिहार की सियासत में बड़ा सियासी कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं। और जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो वाकई ये दर्शाता है कि आगामी वक्त में बिहार में बड़ा सियासी तख्तापलट भी देखने को मिल सकता है। गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए तो नीतीश कुमार को लेकर नीलम देवी ने एक फ्लॉप चीफ मिनिस्टर तक उनको कह डाला। ऐसे में आने वाला वक्त वाकई दिलचस्प रहेगा। क्या नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी? क्या नीतीश कुमार के विधायक आरजेडी का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि गोपाल मंडल और नीलम देवी का यहाँ तेजस्वी यादव की तारीफों के पुल बांधना इस बात के संकेत देता है कि बिहार जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वक्त जेडीयू के पास महज 42 विधायक हैं, जबकि बिहार में सरकार चलाने के लिए 123 विधायकों की आवश्यकता होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।